देखना, देखो ये एक्सट्रैक्शन बोर्ड था, ये देखो ये हमने प्लग लगा रखा सीरीज में। बोर्ड की परेशानी क्या है देखो, अभी हम दिखाते हैं। देखो ये अभी फिलहाल लाइट नहीं, लाइट जल रही है ना, वोल्टेज दिखा रहा होगा। देखो जैसे ही हम ये अभी ये थोड़ा सा टच करेंगे, देखो ये ऑन हो गया। अब देखो वोल्टेज, देखो ये फिर वापस अभी चली भी गई। देखो ये आ रही है और मतलब जा रही है, ऐसी परेशानी होती है इसमें। ये अपने मन की मालिक है, जब दिल करता आती है, जब दिल करता जाती है। ऐसे में देखते हैं खुल के क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में दोस्तों देखो हमने वायर लगा रखा, देखो ये फेस आ रहा और न्यूट्रल नहीं आ रहा, देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। ऐसे में ये खोल ले रहे हैं इसको पहले। दोस्तों देखो ये स्विच भी हमने चेक कर रखा था, हम आप लोग को नहीं दिखा पाए थे, तो हम सोचे कि वो देखो ये मतलब स्विच ऑन है, सही है। अब दोस्तों देखो ये हमने फेस यहाँ पर लगा रखा है, तो देखो ये, देखो ये देखो ये अब यहीं से नहीं दिखा रहा कुछ भी। हाँ अगर यही हम अर्थ में अभी लगा के दिखा देते हैं आप लोग को, अर्थ में भी देख लेना। और दोस्तों देखो हमने ये अर्थ वाले में लगा के रखा है, तो देखो ये कुछ इस तरह, देखो पूरा इधर यहाँ पे मतलब सप्लाई या पलक में सप्लाई आ रही है, मतलब इधर सब कुछ वायर मतलब सही है। अभी देखो ये फेस वाले में हमने लगा रखा है, ये वाला फेस वाले में लगा रखा है, तो अभी ये देख सकते हैं ये इधर से सप्लाई आ रही आ रही आ रही, ये यहाँ तक आ रही है। ये देखो ये देखो यहीं से नहीं आ रही, इधर कुछ भी नहीं, देखो इधर दिखा रहा इधर नहीं दिखा रहा। हाँ दोस्तों देखो ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दोनों, देखो 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 दोनों वायर मुझे लगता है डैमेज हो गए, इसलिए कि वायर मुझे लगता है थोड़ा सा कभी कभी छोड़ता होगा पकड़ता होगा। ये लाल वाला कभी मुझे इशू है, हाँ कि ये भी डैमेज है, इसलिए कि इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ बहरहाल इससे वायर हैं काटेंगे और चेक करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। और दोस्तों सबको वायर और सबको निकाल लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आती है यहाँ पे मालूम है, सबसे मेन वजह है ये, या तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देना या तो फिर ये यहाँ से वायर और हरदम हिलता डुलता है, इसकी वजह से ये ऐसे तैसे प्रॉब्लम, ये ऐसे तैसे प्रॉब्लम अक्सर के आते हैं, तो ये ऐसे में ना। और दोस्तों इसको थोड़ा ढीला ही रखेंगे यहाँ पे, अगर ज़्यादा टाइट रहेगा ना तो करंट बहाव रुकता है, फिर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, या तो फिर यहाँ से ऐसे ऐसे हिलता है इसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में ये हमें थोड़ा ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना। हाँ दोस्तों देखो अभी ये सही हो गया, अब उठाओ पटको ये नहीं जाएगा कहीं, हाँ जो है वो है। हाँ तो अभी देखो ये हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस थैंक यू।